नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल योगाचार्य हनुमान में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं योनि का इन्फेक्शन क्यों होता है, वेजाइना का इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण क्या है, इलाज क्या है, घरेलू इलाज, प्रिवेंशन, सावधानी और बचाव, डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं नॉर्मल वेजाइना, जो महिलाओं में नॉर्मल वेजाइना कैसी दिखती है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन शो नहीं करता है। और जो जिनमें इन्फेक्टेड वेजाइना होती है, उसमें एक रेड कलर सूजन हो जाती है वेजाइना के अंदर, वो इसकी वजह से खुजली की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें वेजाइना में इन्फेक्शन होने के कारण क्या है, जैसे बैक्टीरियल यीस्ट, फंगस हो जाना, हार्मोन इंबैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से भी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम की वजह से, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेने की वजह से, लो इम्यूनिटी, सेक्स अनप्रोटेक्टेड, इंजरी या फिर लो विटामिन डी एंड विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है। अब वेजाइना में इन्फेक्शन के लक्षण क्या है, योनि में खुजली, दोस्तों हर किसी की, ज़्यादातर महिलाओं में खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब के दौरान दर्द या जलन, संभोग के दौरान दर्द, योनि से रक्त स्राव या धब्बा, योनि के आसपास सूजन या रेडनेस, योनि से डिस्चार्ज, योनि का पानी की मात्रा में बदलाव, योनि डिस्चार्ज, योनि का पानी के रंग में बदलाव, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद पानी, वो किस तरीके से निकलता है। फिर ये जो वेजाइना और गर्भाशय जो होता है, इनमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं जब इनकी क्लींजिंग नहीं करते हैं, तो इसकी सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं खुजली का ट्रीटमेंट भी बता दूंगा कि खुजली में कौन सी ट्यूब यूज़ करनी चाहिए, और एक आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप अपने आसपास डॉक्टर से भी सजेशन ले लें। ऐसा नहीं कि आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हुए, एक बार डॉक्टर से भी ज़रूर सजेशन ले, वीडियो के थ्रू आपको मैं गाइड करता हूँ कि आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। योनि का पानी, योनि से डिस्चार्ज, योनि का पानी क्या होता है, जैसे योनि का पानी सर्विक्स और गर्भाशय में ग्रंथियां, जो ग्लैंड्स होते हैं द्वारा जारी एक लिक्विड पदार्थ होता है, वो वाइट डिस्चार्ज निकलता है। योनि से पानी क्यों आता है, योनि को साफ रखने में मदद करता है, योनि से मृत कोशिका और डेड कोशिका होती है, सेल्स होते हैं, जीवाणु को बाहर निकालता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। योनि के पानी की मात्रा और रंग अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सफ़ेद या थिक गाढ़ा पानी, नॉर्मल खुजली, जलन और लक्षणों की उपस्थिति इन्फेक्शन का एक संकेत होता है, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम बढ़ने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको भी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स है, वो मेरा वीडियो ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा। कुछ भी आपको खरीदना है, ट्यूब खरीदनी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो आप ज़रूर खरीद सकते हैं। पीला पानी असामान्य, इसके साथ गंध की उपस्थिति, बैक्टीरियल संक्रमण या STD, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हरा पानी भी बहुत कम चांस निकलता है, असामान्य, ये अब नॉर्मल है। जीवाणु संक्रमण या STD जैसे ट्राइकोमोनियासिस, एंटीबायोटिक उपचार की आवश्यकता होती है इस समय। भूरे रंग का पानी अनियमित अवधि का संकेत, ये गर्भाशय या सर्विक्स के कैंसर को संकेत हो सकता है। ब्राउन रंग का डिस्चार्ज होना, तो समझ लेना कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है और आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। खूनी पानी जो सामान्य होता है, जब ये आपके मासिक धर्म के दौरान या ठीक बाद में होता है, खूनी पानी मतलब रेड कलर का एंडोमेटेरियल या सर्वाइकल कैंसर का संकेत हो सकता है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप जब भी कुछ भी करें तो अपनी वेजाइना की सफाई जरूर रखें, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी करें। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या फंगस, कैनेडा यीस्ट इन्फेक्शन, ग्लाइमेडिया, गोनेरिया, ट्राइकोमोनोसिस, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। आप को अपने डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, जैसे आपका योनि स्राव रंग बदलता है, भारी होता है या अलग तरह की गंध आती है आपकी वेजाइना में, एक स्मेल सी आती है, आप अपनी योनि के चारों ओर या उसके बाहर खुजली, जलन, सूजन या खराश महसूस करते हैं, जब आप पेशाब करते हैं तो ये भी जलता है। इसमें कौन कौन सी डायग्नोसिस हो सकती है, जैसे CBC टेस्ट करवा सकते हैं, ESR करा सकते हैं, मूत्र यूरिन एग्जाम करवाना है, यूरिन कल्चर बोथ पार्टनर्स, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का होता है, जेनिटल ट्रैक्ट अल्ट्रासाउंड, कोलोनोस्कोपी, LBC पेप स्मियर, इस तरह की जांच करवा सकते हैं। अब दोस्तों क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में वेजाइनल इन्फेक्शन होने पर, नारियल का तेल वो आप वेजाइना के चारों ओर लगा सकते हैं, उससे से क्लीन कर सकते हैं। प्याज या लहसुन, जिंजर, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दही को मौखिक रूप से लिया जाता है। बोरिक एसिड, योनि सपोर्ट सिट्रीज, ये भी यूज कर सकते हो।
वेजाइनल इन्फेक्शन, खुजली या ज़्यादा होने में क्या खाना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, खट्टे फलों का रस, अंगूर, अमरूद, सेब, नींबू, इनका रस भी ले सकते हो, तुलसी की पत्ती चाय के रूप में ले सकते हो, प्याज, लहसुन, जिंजर, दही, इनका प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है जब भी आपको कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स हो। और क्या नहीं खाना चाहिए? पैक ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय से बचे, ज़्यादा नमक ना खाए, धूम्रपान ना करे, अधिक शराब ना पिए, खेले। तो दोस्तों आजकल क्या होता है, लड़कियों में आम बात होगी कि वो शराब का यूज़ करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में देखा जाता है कि हर कोई लेडीज़ धूम्रपान करती है, शराब करती है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है तो वो ऐसा यूज़ करती है। जब उनको इन्फेक्शन होता है वो डॉक्टर के पास भागते रहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करते, खाना ठीक नहीं करते। तो मैं यही गाइड करता हूँ अपने देश की महिलाओं को कि वो अपने कल्चर को मेंटेन रखें और साथ में जो जितना भी खान पान है उसको मेंटेन रखें। क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार पेशाब करें, आप यूरिन ज़रूर करें। पेशाब करने के बाद आगे पीछे पहुँचना, सूती अंडरवियर पहने, आप जो पहनते हो अंडरगारमेंट्स वो भी अच्छे से पहने, तंग फिटिंग पैंट से बचे, नहाते वक्त जनन अंगों की सफाई करें, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए, अनावश्यक एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए, गीले कपड़ों में रहना, 1 सैनिटरी पैड और लॉन्ग टाइम्स यूज़ करना, सुगंधित उत्पाद। दोस्तों आप जितनी भी पैंट चीज़ें टाइट पहनते हो ना, इनसे आपकी जो वहाँ पे एक क्या कहते हैं ना, पसीना आता है, उसकी वजह से भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए आप ढीले कपड़े पहने, संभोग के बाद योनि की स्वच्छता बनाए रखें। जब आप कुछ भी इंटरकोस्टल, आप जब मैरिड पीपल्स होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं संभोग करते, तो भी आप उसके बाद योनि की सफाई जरूर करें। ऐसा नहीं कि आप सेक्स करने के बाद डायरेक्टली स्लिपिंग कर लें, तो उसको एक बार साफ जरूर करें, योनि को साफ कपड़े या टिश्यू पेपर से साफ करें। कभी सुगंधित साबुन उत्पाद का उपयोग ना करें, क्योंकि वो अपने क्लीनिंग के टाइम जो स्मेल्स वाले साबुन होते हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले वो यूज करते हैं, वो यूज नहीं करना है। यदि आपको इन्फेक्शन है तो सेक्स ना करें, आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आपको इन्फेक्शन हो और आप सेक्स करने जा रहे हो, नहीं, आप उस समय सेक्स नहीं करना बिल्कुल, आप जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो जाए। इन्फेक्शन कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं ये 2 कारकों पर निर्भर करता है, संक्रमण कितना गंभीर है, कितना क्रिटिकल है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। हल्के इन्फेक्शन कुछ दिनों में कम हो सकते हैं, कभी कभी उन्हें उपचार की आवश्यकता भी नहीं होती। मध्यम से गंभीर संक्रमण स्पष्ट होने में 1-2 सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जब आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो ये इसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको भी खुजली की प्रॉब्लम्स है, उसमें मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, केनेस्टीन या फिर कैंडिन क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको खुजली की प्रॉब्लम्स हो, या फिर अपने आसपास के डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, वो आपको टेबलेट देंगे, तो वो टेबलेट भी यूज कर सकते हैं, और जो मैंने घरेलू तरीके बताए इससे भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वेजाइना आपका शरीर का मेन पार्ट्स माना जाता है, इसी से आपका जो प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे का डिलीवरी होना है वो वेजाइना के थ्रू ही होता है। तो अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है इसको वेजाइना के थ्रू ही होती है, या फिर यूट्रस में भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर करें, उस कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर मिलेंगे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेकर। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपने यूट्यूब चैनल योगाचार्य हनुमान पर।